हम ये परिचय देने चाह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान इस देश का बहुमूल्य समाज नहीं सहेगा। ऐसे देते हैं कि ऐसा कभी नहीं करने देंगे। दीपावली हमने जामिया में मनाया और आगे भी हम दीपावली जामिया में मनाएंगे। घटना तो बहुत ही निंदनीय थी हमारे लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि दीपोत्सव सिर्फ हिंदुओं का ही फेस्टिवल नहीं है, सभी का है। सर, अगर हमें दीपावली मनाने के लिए परमिशन ही लेनी पड़े तो फिर कैसी डेमोक्रेसी, कैसा लोकतंत्र? भाई, ये देश में रह रहा है तो भारत माता की जय बोलने में आपको कुछ दिक्कत है क्या? आपको तो दिक्कत नहीं है तो भारत की भूमि में पढ़ के भारत का नाम आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप स्टूडेंट तो नहीं हो सकते। वहाँ हमारी बहने जो बुरखा पहन के हमारी वहाँ बहने खड़ी थी, उनके साथ अभद्र टिप्पणी करी, उनके साथ बदतमीजी करने का काम ऐसे उन वामपंथियों द्वारा किया गया। तो NMF न्यूज पे इस वक्त आप देखिए किस तरीके से ABVP के जो छात्र हैं वो जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट पे दीपोत्सव करने, और किस तरीके से साथ में दिल्ली पुलिस भारी तादाद में मुस्तैद है और उनके साथ इस वक्त जा रही है। आप आगे से पीछे तक दूर तक देखिए किस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट पे ये ABVP के छात्र दीपोत्सव करने इस वक्त जा रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त हम जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 13 पे है। एक बार आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से गेट नंबर 13 पे, और यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है आप तस्वीरों में देखिए। ABVP के जो यहाँ पे कार्यकर्ता किस तरीके से दीप जलाते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, किस तरीके से यहाँ पे दीपोत्सव इन्होंने कहा था कि हम गेट पे आके करेंगे, और इस वक्त ये करते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम हो आपका? ऋतिक राज। यहाँ पे दीपोत्सव कर रहे हैं आप जी? क्या कुछ कहेंगे ये पूरा जो मामला जो इस वक्त चल रहा है? मामला तो अलग है, हमारे दिवाली सनातन धर्म की पर्व है, उत्सव है, जिसे हम लोग अच्छे धर्म से निभाएंगे, अच्छे तरीके से निभाएंगे। भैया, जामिया के गेट पे दीप जलाने आप लोग आए? हम ये परिचय देने चाह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान इस देश का बहुमूल्य समाज नहीं सहेगा। ये देश का एक समाज जो कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहार को मनाना चाहता है, तो कुछ जो इस देश विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो कि भारत माता की नारों से जिनको दिक्कत होती है और जय फिलिस्तीन के जो नारे की गुणगान करते हैं, हम उनको ये संदेश देने आए हैं कि देश का युवा अपने नेशन से और अपने देश से बहुत प्रेम करता है और अपने अपने त्योहारों को मनाना जानता है, इसलिए यहाँ दीपोत्सव। तो देश का युवा देखिए किस तरीके से यहाँ पे दीपावली मना रहा है। भाई साहब, दीपोत्सव करने यहाँ पे आप लोग आए हैं सभी? जी जी बिल्कुल, दीपोत्सव करने आए हैं हम लोग। क्या कहेंगे जो कुछ घटा है? वैसे तो जामिया जैसे शिक्षण संस्थान में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है, निंदनीय है, क्योंकि हम लोग भारत देश में रह करके ये परिचय देते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता है और वो हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, लेकिन जामिया प्रशासन के अंदर जो ऐसे तथाकथित कुछ तत्व हैं इसको पूरा खत्म करना चाहते हैं, इसको यानी कि एक नैरेटिव हिंदू मुस्लिम में बदलना चाहते हैं, वो हम कभी नहीं चाहते। पिछले 3-4 वर्षों से दीपावली मनाते हैं, मुस्लिम छात्राएं आकर के रंगोली बनाती हैं, मुस्लिम छात्र दीप जलाते हैं, हम उससे बहुत ही एक हिंदू मुस्लिम सौहार्द जो हम बनाना चाहते हैं उसके माध्यम से वो बन भी रहा है, लेकिन जामिया प्रशासन और कुछ तथाकथित तत्व जो उसको खराब करना चाहते हैं, तो हम एक उसके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं, और मैसेज यहाँ से मैसेज देते हैं कि ऐसा कभी नहीं करने देंगे। दीपावली हमने जामिया में मनाया और आगे भी हम दीपावली जामिया में मनाएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त ABVP के कुछ कार्यकर्ता है, हाथों में दीपक लिए यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 13 पे खड़े हैं। दीपोत्सव का यहाँ पे त्यौहार मनाने आप सभी आए यहाँ पे जी? क्या कहेंगे जो कुछ इस वक्त जामिया में चल रहा है, जो जिस तरीके से कल जो घटना होती है उसके बारे में पहले क्या जानकारी दी? घटना तो बहुत ही निंदनीय थी हमारे लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि दीपोत्सव सिर्फ हिंदुओं का ही फेस्टिवल नहीं है, सभी का है। हम दिवाली मना रहे हैं, हम रोशनी का त्यौहार मना रहे हैं, जो त्यौहार हर साल मनाया जाता है यहाँ पर, कल वही त्यौहार वही तरीके से मनाया जा रहा था, सभी मिलके सभी धर्म के लोग मिलके यहाँ पर रंगोली का कार्यक्रम कर रहे थे, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व या बोलिए कुछ कट्टरपंथ लोग आए, उन्होंने रंगोलियों पे पैर मारा। श्री कृष्ण श्री राम जी की रंगोलियाँ बनी हुई थी जिसपे उन्होंने पैर से रंगोली खराब करी, दिए पैरों से उड़ाए, जलते दिए तोड़े, छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करा, और उसके बाद यहाँ पर यहीं पर पैलेस्टीन जिंदाबाद के नारे लगने लगे। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर भारत माता की जय का सिर्फ एक नारा लगा था, जिसके लिए उन्होंने पैलेस्टीन जिंदाबाद के नारे लगाए, यहाँ पे बहुत हिंसा करी,
तो अगर हमें अपने ही देश में रह के, भारत में रह के, भारत की राजधानी की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दीपावली मनाने से मना किया जाए तो फिर तो ये तो बहुत ही निंदनीय है, ना कि सिर्फ हमारे के लिए, हमारे लिए पूरे देश के लिए। नहीं, ये अच्छा बात, अच्छी बात है, खुशनसीबी है कि आखिरकार परमिशन मिल गई है आप लोगों को। सर, अगर हमें दीपावली मनाने के लिए परमिशन ही लेनी पड़े तो फिर कैसी डेमोक्रेसी, कैसा लोकतंत्र। अच्छा, दो बड़ा आरोप लगाया गया उस यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों से मेरी जब बात हो रही थी, कितनी सच्चाई है उसे जानने के लिए हमें दूसरा पक्ष भी जानना था एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। उन्होंने दो आरोप लगाए, जिसमें पहला आरोप ये था कि जो उस कॉलेज की जो छात्राएं थी, एबीवीपी के छात्रों की तरफ से कुछ टिप्पणी किया गया, कुछ छेड़खानी जैसी कुछ बातें है क्या, ये आरोप उन्होंने लगाया। ये सरासर गलत आरोप है। कल ऐसे तो इन्होंने ऐसे आरोप भी लगाया कि यहाँ पर कम्युनल वायलेंस हुआ है, जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे, यही था कि जय श्री राम के भी नारे लगे। सर, हम यहाँ पे कल बहुत घंटे तक थे, यहाँ पर एक नारा जय श्री राम का नहीं लगा। अगर लगा होता तो न्यूज में आपके पास वीडियोज आती, आपने भी वीडियोज देखी होगी, वहाँ पे दो ही नारे लग रहे थे, फिलिस्तीन जिंदाबाद और अल्लाह अकबर। तो एक सेक्युलर देश में अगर एक यूनिवर्सिटी जो कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो वो तो फिर आप देख ही रहे हैं। जो लोग आए थे माहौल खराब करने, आखिर उन्हें किस बात से आपत्ति थी, दीपावली से आपत्ति थी या भारत माता की जय जैसे नारों से आपत्ति थी? ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे दीपावली का उत्सव भी बन रहा था, वहाँ पे भारत माता की जय का सिर्फ एक ही नारा लगा था जिसपे आपत्ति शुरू भी हो गई। तो वो तो उनके माइंडसेट के ऊपर है कि उनको आपत्ति किस चीज से थी। जो हमें लग रहा है, वो जो एक आग लगी थी, जो सबसे पहला नारा निकला था वो भारत माता की जय के नाम से निकला था जी। तो सोचने वाली बात तो ये कि जो लोग भारत में रहकर फलस्तीन जिंदाबाद बोल रहे हैं, उनको भारत माता की जय से बहुत दिक्कत है, लेकिन फलस्तीन जिंदाबाद बोलने से नहीं है। तो भारत में रहकर भाई साहब फिलिस्तीन जिंदाबाद कहना जरूरी है क्या? नहीं तो फिर ऐसे नारे यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालय में क्यों लगते हैं? हम जो आज हम सारे जमा हुए हैं, यहाँ सारे आए हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये है, कल ना किसी ने नहीं कहा था जय श्री राम, सिर्फ कहा था भारत और माता की जय। अगर हम अपने ही देश में अपने देश का नहीं नारा कर सकते तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा भाई साहब, आप लोग भी दीपावली मनाने आए हैं? हाँ जी भाई साहब, मना लिया दीपोत्सव? हाँ, दीपोत्सव तो अभी तो मनाए। क्या कहेंगे ऐसे, आखिर किन्हें इससे प्रॉब्लम है? अगर जामिया के अंदर दीपक जलता है, दीपावली मनाया जाता है, तो किन लोगों को इससे आपत्ति हो रही है? भाई, ये देश में रह रहा है तो भारत माता की जय बोलने में आपको कुछ दिक्कत है क्या? आपको तो दिक्कत नहीं है, तो हम लोग तो भारत माता की जय बोल रहे हैं, उन लोगों को क्यों दिक्कत आ रहा है वो पूछना चाह रहे थे हम पहले। तो पाकिस्तानी जय बोल रहा है तो यहाँ से पाकिस्तानी जाने के लिए ये देश में तो परमिशन दे चुके हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तो दीपावली का दीपोत्सव मना रहे, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये देश में सेक्युलर देश बोल के डेली बोल के फिरते घूमते ना लोग, तो सेक्युलर देश में तो दीपावली तो मनाया जा सकता ना, दीपावली मनाना थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। क्या लग रहा है, फिलिस्तीन जिंदाबाद से कोई दिक्कत नहीं है, भारत माता की जैसे दिक्कत हो गई क्या? बिल्कुल, क्या क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अगर आप भारत देश में रह रहे हैं, भारत माता की बोलने में कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, किसको प्रॉब्लम हो रही है? आप इतने बड़े संस्था में पढ़ रहे हो, भारत की तो देन है, भारत की भूमि में पढ़ के भारत का नाम आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप स्टूडेंट तो नहीं हो सकते। नहीं, कुछ अराजक तत्व ही है। छात्रों का ये भी कहना था, चूंकि ये जामिया मिलिया इस्लामिया है, यहाँ मुस्लिम जो छात्र है, मुस्लिम हिंदुओं पे ये देश कब बढ़ गया, हिंदू मुस्लिमों पे ये देश किसका है? सबसे पहले हम कौन है, भारतवासी है कि पहले हिंदू और मुस्लिम है? जामिया कहाँ होता है, भारत में है ना, तो हम भारतवासी हैं पहले। अगर हम उनके उनके त्योहारों का सम्मान करते हैं, उनके त्योहारों को उन्हीं उनकी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने देते हैं, तो हमारे त्योहारों पर उन्हें क्यों आपत्ति होती है? यहाँ पे भानु प्रताप सिंह है हमारे साथ और ये दीपोत्सव कर रहे हैं। भैया, यहाँ पे जामिया पे दीपोत्सव करने आप सभी आए जी, क्या कहेंगे जो कुछ इस वक्त घटा है जामिया? क्या है कि कल जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जब शांतिपूर्वक तरीके से एक रंगोली के पास सभी धर्म के छात्र, सभी समुदाय के छात्र एक साथ दिवाली का उत्सव शांतिपूर्वक मना रहे थे, वहीं कुछ कट्टरपंथ लोगों को, कुछ वामपंथियों को ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ और वहाँ बेहद तरीके से लात मारकर रंगोली खंडित करने का काम किया, दियों को तोड़ने का काम किया। वहाँ हमारी बहनें जो बुरखा पहन के हमारी वहाँ बहनें खड़ी थी, उनके साथ अभद्र टिप्पणी करी, उनके साथ बदतमीजी करने का काम ऐसे उन वामपंथियों द्वारा किया गया। क्या लग रहा है, कौन सा ऐसा तत्व है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है जामिया? देखिए, वो वही लोग हैं जो जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर भारत के विरोध में नारे लगाते हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और भारत देश को अंदर से कमजोर करने का काम करते हैं। अच्छा, उन लोगों की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पहले एबीवीपी के लोग नारे लगाते हैं जय श्री राम के, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, कल कोई विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम नहीं था, जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वो कार्यक्रम आयोजित करा था और वहाँ मैं खुद वहाँ उपस्थित था और उस रंगोली के पास सभी समुदाय के छात्र वहाँ खड़े थे, सभी धर्म के छात्र वहाँ एक साथ शांतिपूर्वक तरीके से दिवाली का उत्सव मना रहे थे। तो आपने सुना किस तरीके से सभी धर्म और पंथ के छात्र वहाँ शांतिपूर्वक दीपावली मना रहे थे, लेकिन जो आरोप इन्होंने लगाए हैं कि कुछ वामपंथियों की तरफ से वहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश की
की गई है। फिलहाल एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीरों में आप देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 13 पे किस तरीके से यहाँ पे दीपोत्सव किया जा रहा है। और इनका साफ साफ कहना है कि दीपावली जो है ये धर्म से ऊपर उठकर एक त्यौहार है और हर तरह के हर कौम के लोग यहाँ इसे मनाते हैं। और वही यहाँ पे इस वक्त फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 13 पे। हमारे साथ एबीवीपी के कुछ और भी कार्यकर्ता है, उनसे भी आइए बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, दीपोत्सव यहाँ पे करने आप लोग मनाने आए हैं, दीपक जला लिया, क्या संदेश देंगे जो इस दीपावली जैसे त्यौहार पे भी माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं? वो कितने ही कोशिश कर ले वो माहौल का भी खराब नहीं हो सकता, माहौल खराब नहीं हो सकता। भाई क्या कहोगे जिस तरीके से यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है जामिया के अंदर? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दीपावली आपसी एक सामाजिक सौहार्द का पर्व है जी, और हम सब भी आज यहाँ आपसी सामाजिक सौहार्द सभी के बीच में बना रहे, सभी छात्र एक साथ रहें, और जिस प्रकार हम सभी जामिया में मिलकर इफ्तार मनाते हैं उसी तरीके से मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि आप सब भी हमारे साथ मिलकर आज दीपावली मनाइए, और इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम। तो आप देखिए एक तरफ इधर इन्होंने दीपोत्सव कर लिया है, दीपावली यहाँ पे मनाया जा रहा है, वहीं दूसरे साइड भी देखिए आपको दूर तक वहाँ दीपक ही दीपक दिखाई देगा, किस तरीके से जामिया के चारों तरफ जो है दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है। और यहाँ एबीवीपी के कार्यकर्ता इस वक्त दीपोत्सव का त्यौहार मना रहे हैं और चारों तरफ दीपक ही दीपक आपको दिखाई देगा, जामिया के अंदर दीपक जला रहे हैं।